पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास धनबाद के दौरे पर रहे, जहां जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं गोविंदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रघुवर दास ने वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। 72,000 का 7 रुपया भी गरीब तक नहीं है, तो हम हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सोमवार को धनबाद दौरे पर रहे, जहां जगह जगह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गोविंदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रघुवर दास ने वर्तमान झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सूबे में 9 महीने से सरकार चला रहे हैं, मुखिया को जल्द से जल्द जनता विदा करना चाहती है। दोनों उपचुनाव में इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। साथ ही दावा किया कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इस निकम्मी सरकार से हिंदी पीढ़ी भी संभल नहीं पाई। कोरोना में 1,500 से ज्यादा अधिकारियों पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई, जिसमें जमकर पैसे का खेल हुआ। विधानसभा चुनाव में कुछ विरोधी और स्वार्थी तत्वों के द्वारा सरकार नहीं बनने दी, लेकिन 9 महीने के हेमंत शासन को देखकर जनता को लग रहा है कि बड़ी गलती हो गई। हेमंत ने गरीबों को 72,000 देने, विधवा को 2,500 पेंशन देने, एक दाल में 5,00,000 रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने समेत कई वादे किए थे, लेकिन 7 रुपए भी गरीबों को नहीं मिली। रघुवर ने जोर देते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमने 1,00,000 से ज्यादा नौकरियां दी थी, जिसमें 95% मूलवासी आदिवासी थे। आज तथा कथित आदिवासी मूलवासी की सरकार की वजह से लाखों शिक्षक सड़क पर आ गए हैं। उग्रवादियों को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने सहायक पुलिस की नौकरी दी थी, उन्हें 3 साल के बाद भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने उन पर लाठियां चलवाई। हेमंत सरकार ने 9 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपया, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपया। इसी तरह अनेक वादे हमारे विरोधी पक्ष के लोग किए, लेकिन 9 महीने के अंदर 72,000 का 7 रुपया भी गरीब तक नहीं पहुंचा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।